मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक, बिटकॉइन को लेकर किया गया ट्वीट, कुछ देर बाद पीएम का अकाउंट किया सुरक्षित। सीएम योगी ने किया फ्री राशन वितरण महाअभियान का आगाज, 15 लाख गरीबों को होगा फायदा, होली तक मिलेगा फ्री राशन। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली, सोनिया राहुल और प्रियंका ने भरी हुंकार, मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी। वंदे मातरम पूर्वांचल लाइफ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। 13 और 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी रहेंगे, काशी विश्वनाथ धाम समेत अन्य निर्धारित किए गए कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। तो कॉरिडोर की भव्य उद्घाटन की तैयारियों को लेकर नेटवर्क 10 के संवाददाता सचिन पांडे ने वहां का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। घाटों पर और 13 तारीख का दिन काशी के लिए बहुत अहम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण, और जैसे कि हर घाटों पर चल रही है तैयारी, मेरे पीछे रंगोली बनाई जा रही है, हर घाटों पर ऐसे ही रंगोली का कार्यक्रम किया जा रहा है बराबर, और पूरा जगमग हो चुका है काशी। और उसके बाद बहुत सारी तैयारियां चल रही है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में, क्योंकि कल 13 तारीख का दिन एक बहुत अहम है काशी वासियों के लिए और काशी के लिए। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर में पहले जैसे कि सकरी गलियों से निकलना पड़ता था, अब एक भव्य रूप काशी विश्वनाथ मंदिर में हो चुका है। हर घाटों को, हर गेस्ट हाउस को, हर घर को एक बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है। इसके बाद इसके ऊपर पुरस्कृत भी है, जो जितना बढ़िया होटल और घर सजाएगा उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। मैं वाराणसी से सचिन कुमार पांडे। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, तो वहीं लोगों के लिए प्रसाद के रूप में 2 लड्डू हर पैकेट में वितरित किया जाएगा, जिसके लिए 5 लाख लड्डू के पैकेट बनाए जा रहे हैं। ऐसे में नेटवर्क 10 के संवाददाता सचिन पांडे ने जायजा लिया और पूरी जानकारी दी। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जो वहाँ पे आएंगे और जो काशीवासी हैं उनके घर में प्रसाद भेजने की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रसाद बन रहा है, और देखिए जैसा कि आटा चला रहे हैं, और ये सामने देखिए उसको वो किया जा रहा है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि देखिए पूरी प्रसाद की व्यवस्था हो चुकी है, और वहाँ पर देखिए ये बराबर यहाँ पे पैकिंग भी हो रही है बराबर, जिसके अंदर 2 लड्डू एक उसके अंदर डाला जाएगा। उपाध्याय जी कितने पैकेट बन रहे हैं अभी तक? ले तो 70,000 पैकेट बन गया है, और 5 लाख पैकेट का व्यवस्था है कि हर एक घर में काशी वासियों के पहुँचे, हर एक व्यक्ति के पास प्रसाद पहुँचे। और देखिए ये चूरमा है, और यहाँ पे लड्डू बन के भी तैयार है, ये यहाँ देखिए महिलाएं भी लड्डू बना रही हैं बराबर। और बात करेंगे हम इनसे, कितना लड्डू बना चुकी हैं अभी? अब हम गिने ना भैया, बड़े बड़े ना है तभी कितना है, अनगिनत? हाँ अनगिनत तो हो ही गल भैया, अनगिनत लड्डू बना चुकी हैं। देखिए यहाँ पे बराबर बन रहा है लड्डू। वाराणसी से मैं सचिन कुमार पांडे, नेटवर्क 10। वहीं देवरिया जनपद के पत्थरदेवा विधानसभा के बांसपाड़ बुजुर्ग में कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से जारी निःशुल्क अन्न योजना की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री शाही ने अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन वितरण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधन में शाही ने कहा कि सूबे की योगी सरकार आमजन के विकास के प्रति संकल्पित है। वहीं विरोधी कह रहे हैं कि डबल इंजन कुछ कार्य नहीं कर रहा है, आज डबल इंजन सरकार है और इस वजह से आपको डबल सरकार दे रही है। तो आज सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, जो भी सरकारी योजनाएं आई सरकार ने बिना भेदभाव के सभी को लाभ दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से अगले मार्च तक पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को
राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क जो है वो दाल, एक लीटर तेल और एक किलो नमक, एक किलो दाल या चना करवाया जा रहा है। वहीं महोबा जिले में सभी सरकारी राशन की दुकानों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत राशन वितरण दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें राशन कार्ड धारकों को विशेष सुविधाओं के अनुसार राशन वितरण प्रक्रिया शुरू की गई। सरकारी राशन की दुकान से इस बार राशन वितरण में अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलोग्राम और पात्र गृहस्थी कार्ड पर 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन दिया गया और शासन की मंशा के मुताबिक 1 किलो रिफाइंड तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चने का वितरण भी किया गया। वहीं झांसी के विकासखंड बड़ा गांव के मुख्यालय पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 100 से ज्यादा जोड़ों का विवाह कराया गया। मुख्य विकास अधिकारी शैलेश कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार गौतम और बबीना विधायक राजीव सिंह परीछा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान अतिथियों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि योजना के तहत शासन की तरफ से वर वधु को उपहार और नकदी आदि प्रदान की जाती है। तो वहीं बसपा से निष्कासित विधायक विनय शंकर तिवारी, बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे समेत कई नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाने के मौके पर अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जाति के आधार पर भेदभाव पूर्ण तरीके से काम कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में अंग्रेजों की तरह बांटो और राजनीति करो की तर्ज पर काम किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस आप और बीजेपी खुद को मजबूत करने में लगातार रणनीतिक चाल चल रही है। आप इस बार अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज करवाना चाह रहे हैं, तो हालांकि आपने किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नेतृत्व वाली गठबंधन नहीं करेगी। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। जिले के 5 ब्लॉकों में आयोजित 442 जोड़ों की शादी करवाई गई, जिसमें 403 हिंदू 39 मुस्लिम जोड़ी की शादी हुई। शादीशुदा जोड़ों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की सामान और 35,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। जो लोग लड़की और लड़के के पक्ष में आए हुए थे, उनके खाने की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही इस कार्यक्रम में हर तरह के इंतजाम भी किए गए, ताकि जिन जोड़ों की शादी यहाँ हो रही है उनको ये एहसास ना हो कि उनकी शादी उनके घर से नहीं हो पाई। हिंदू जोड़ों को उनके धर्म, हिंदू रीति रिवाज और मुस्लिम जोड़ों का मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करवाया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल भी पहुंचे। वहीं यूपी के फतेहपुर जिले में अपराधी पिता कर महिला से अवैध और संपत्ति की लालच में इकलौते बेटे ने बदमाशों को सुपारी देकर हत्या कर दी और बाबा से तहरीर यहां पर पुलिस को देकर दो विरोधी लोगों के हत्या का नाम दर्ज मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये मामला जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के दीमकपुर मजरे गांव का है, जहां 5 दिसंबर की रात जलकेशन उर्फ लाला की घर के बाहर सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर मृतक के पिता ने गांव के घूरे लोधी और श्रवण के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर दोनों के परिजनों ने एसपी से मिलकर इस मामले में सही जांच की बात कही थी। इसी को लेकर एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए हत्या में शामिल मृतक के बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए हत्या का खुलासा कर दिया है। 5 दिसंबर को थाना थरियाव के क्षेत्र में दिमंगलपुर गांव में जलकिशन नामक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसकी उम्र 48 वर्ष थी और उसके बेटे द्वारा दो नामित अपराधियों को नामित किया गया था, दो व्यक्तियों को जिनको उसी समय पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था।
लेकिन पूछताछ पे यह पता चला कि ये गलत नाम जबकि ही है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें जो है पुलिस ने अथक प्रयास करके घटना का बिल्कुल सही अनावरण किया है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदाय सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्याशी का क्या होता? पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी, अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। देश में 50-80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे हैं। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। पंजाब सरकार का कीर्ति कामिया ले वड्डा तोहफा।
रजिस्टर्ड कीर्ति कामिया नू पंजाब सरकार दा शगन। पंजाब सरकार को 3,17,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर है जेड़े वो रजिस्टर्ड है परिवार उन्हां नू दिवाली दे शुभ मौके ते बधाई देंदे हुए 3,100 रुपये दिवाली दा शगन भेज रहे हैं उन्हां सारे परिवारां नू। कोरोना महामारी ने जिन्हां दा तोड़िया लक हुण पंजाब सरकार ने फड़िया उन्हां दा हाथ। खुश होवेगा हुण हर कीर्ति दा परिवार। ताइयों हर कोई कहंदा है तरक्की दे रहा पंजाब सरकार। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य का क्लब पाइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। सोसाइटी की मानो तो औरतों को हमेशा चूज करना पड़ेगा, बड़ी डिग्री या शादी, करियर पे फोकस या फैमिली, अच्छी मॉम बनो या बिजनेस वुमन। मैंने कहा चॉइसेस नहीं, मुझे सब कुछ चाहिए। नई सोच, नई कोशिशें, नजरिया बदल सकता है। मिलिए शार्क नमिता थापर से। अपग्रेड प्रेजेंट्स शार्क टैंक इंडिया को पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट 20 दिसंबर से सोमवार। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के बैरिया चौराहे के पास पुलिस ने कार्रवाई कर अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। वहीं चोरी की 12 मोटरसाइकिल के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम को SP ने 10,000 का पुरस्कार भी दिया। SP महोदय द्वारा अपराध अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कसिया और जो है स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से इस संबंध में कार्रवाई की गई और 12 मोटरसाइकिलें जो है बरामद की गई हैं, जिसमें से 5 मोटरसाइकिलें जो है कनेक्ट हो गई हैं, 4 जनपद कुशीनगर की और 1 अन्य जनपद की है, और 7 अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में छानबीन की जा रही है। इस गैंग में कुल 4 सदस्य हैं। मुख्य सरगना अभिषेक है, जिसके विरुद्ध पहले भी जिसका आपराधिक इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट पुलिस चौकी के पास ट्रक का टायर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रक का टायर फटते ही ट्रक अनियंत्रित होकर एक कार से जा टकराया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों समेत 2 महिलाओं को गंभीर रूप से चोट आई है। 5 घायलों को गंभीर रूप से चोट आई है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फोन इन लोग बगल में किए, उसी जगह मकान है 2-3 तला, तो वो जो है कि हमारा बगल वाली जाके बोली कि चंचल के एक्सीडेंट हो गया है, सब कोई के हुआ है, बाकी चंचल के थोड़ा ज़्यादा लगा है, बाकी ये नहीं उन लोग बताए थे कि मतलब काम गुजर गया है। चित्रकूट में एक ही जगह जमे थाना प्रभारियों पर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल का चाबुक चला, जहां एक साथ कई थाना प्रभारियों समेत कई उप निरीक्षकों को इधर से उधर कर दिया गया है। तो ये वो लिस्ट है जो सामने आई है। तो थाना प्रभारियों से ये चार्ज ले लिए गए हैं वापस। तो ये बड़ा उलटफेर जिसकी लिस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं अमेठी के जामू के दिगंबर मथिया में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे एक युवक को बेसुध अवस्था में देखा। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इसमें हत्या की आशंका जताई। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। कहाँ हुआ उनका? दुश्मन लोग ने मरवा दिया। कहाँ हुआ उनका? गन से मार दिए। तो कुछ थाने में तहरीर वगैरह देंगे? नहीं देंगे कुछ। उत्तर प्रदेश की झांसी में पुलिस ने नकली शराब बना रही फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की। यही नहीं, पुलिस ने 3600 किलोग्राम की लहन को बर्बाद कर दिया। पुलिस ने बताया कि उनको कच्ची शराब बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
मयावर क्षेत्र के बहराइच जिले में ठाकुर हुकुम सिंह स्नाकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बीजेपी की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य एके शर्मा ने कहा कि बहराइच आकर खुद को धन्य मान रहा हूं, मुझे यहां आने का अवसर मिला। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मंजिल जब हमें पता होती है तो हमारी गति और बढ़ जाती है। वहीं पूर्व की सरकारों ने बस अपना हित देखा है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने उनको स्मरण भी किया, महाराजा सुहेल देव को मेरा बहुत आदर है उनके प्रति, और जब आने वाले दिनों में हम उस स्थान पर निकल जाएंगे। वहीं सीतापुर में मथुरा थाना क्षेत्र के बासुरा इलाके में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में पलट गई। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ग्रामीणों संग रेस्क्यू करके तीन लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद सीएचसी ले जाते वक्त कार सवार फौजी समेत तीन लोगों की मौत हो गई। तो यूपी के सीतापुर की पूरी घटना है, जहां अनियंत्रित कार तालाब में जाकर पलट गई। ये हादसा हुआ, फिलहाल हादसे में जो तीन लोगों की मौत हुई है उसको लेकर जांच पुलिस की तरफ से जारी है कि सड़क हादसे को लेकर क्या वजह यहां पर रही है। तमाम एंगल से जांच की जा रही है। तो कार सवार फौजी समेत तीन लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। वहीं कन्नौज में डीजे मालिक के संदिग्ध परिस्थिति में हत्या से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक चिलमिलिया गांव में देर रात डीजे बुकिंग के दौरान झगड़ा हुआ था। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि देखने से ये लगता है कि युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें पूरे मामले में गंभीरता से जाँच की जा रही है। तो डीजे मालिक की हत्या से सनसनी फैली है। डीजे बुकिंग के दौरान ये झगड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटनास्थल से दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इनकी लड़ाई झगड़ा बहुत चल मिली है। मैं कल शाम 6 बजे 7 बजे फिर तो नए लोगों ने फोन करो, फोन करके बताओ पिताजी को, खबर दी। पिताजी ने पता भी करो लेकिन पता नहीं लोगों कहाँ जे कहाँ गए कहाँ नहीं। रात में पता करते रहे, सवेरे पता करो, हमने पूछी पिताजी से कि पता लोगो कि नहीं, नहीं पता लोगो तो फिर यंत्र से फोन को मेरे तीर कहो तो मेरी कहने गोली लगी। तब हम लोग भज के आए, तब पहचानो आए। काय की दुकान थी इनकी? इनकी डीजे की दुकान थी। थाना छिबरामऊ क्षेत्र के घुसवापुर गांव में एक 36 वर्षीय व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि धारदार हथियार से सर पर वार कर हत्या की गई है। पुलिस पंचायतनामा की कार्रवाई कर रही है। परिजनों से तहरीर अभी नहीं मिली है, जैसे तहरीर मिलती है उसके बाद उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जिनके आधार पर इस पर कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द इस मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। और इसी के साथ पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है
और आप इसे घर बैठे 011-45-45-45-45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो नंबर वन का उत्तराखंड हो। 19-20 के ढेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हम। हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है, इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड।